हेलो एवरीवन, मैं रितु, रितुस गुड लाइफ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक टर्किश डिश बनाने वाली हूँ जिसका नाम है असेंबली। यह एक स्वीट डिश है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए 1 कप सूजी, आधा कप चीनी, 1 कप दूध, 1/4 स्पून बेकिंग सोडा और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए आलमंड्स। तो हमें सबसे पहले इसको मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले सूजी, फिर उसके बाद हमने चीनी डाल दी इसके अंदर, बेकिंग सोडा, और मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर पे, एवरीथिंग ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पर होनी चाहिए। और हम इस सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब मैंने ये टीन ग्रीस कर लिया है अपना। अब मैं अपने इस बैटर को इसमें पोर कर दूंगी। अब मैं इसको फैला लूंगी इसमें। इक्वल लेयर हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। अब हम इसका सिरप बना लेंगे। हमने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 कप डाल रही हूँ और 1/2 कप शुगर डाल रही हूँ। 1 कप पानी है, 1/2 कप शुगर है इसके अंदर। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब शुगर डिजोल्व नहीं होती, मैं इसको स्टर करती रहूँगी। अब मेरी शुगर इसके अंदर डिजोल्व होने लग गई है थोड़ी थोड़ी, ये देखिए। अब मेरी शुगर डिजोल्व हो गई है। अब मैं इसमें 1/4 लेमन जूस डाल दूंगी मैं इसके अंदर। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा वो रेस्ट पे है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, 1 घंटा हो गया है। अभी थोड़ा सेट हो गया है। हम इसको ऐसे शेप दे देंगे, कोई भी शेप दे सकते हो आप इसके अंदर। स्क्वायर, डायमंड शेप, एज यू विश। अब मैं इसमें अपने आलमंड्स लगा दूंगी। इनको ये मैंने सोक किया था थोड़ी देर पानी में। अब मैं इसमें आलमंड गार्निश कर देती हूँ। आप इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। अभी मेरा रेडी है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी। मेरा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है 150 पर। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर बनकर तैयार हुआ है। कलर्स भी कितने अच्छे आए हैं, कितना अच्छा बेक हुआ है। तो अब हम इसमें शुगर सिरप ऐड कर देंगे।
अब हम इसको ऐसे छोड़ देंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसके पीस काट लेते हैं। तो हमारी ये टर्किश डिश संबली तैयार है, तो आप भी इसको घर में ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई डिश के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।